हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू। अब यहाँ पर हमें दिए हैं चार ऑप्शंस। सो क्या क्या ऑप्शंस है? गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, रिकॉग्नाइज द सूटेबल पॉलन एट अ स्टिग्मा, फिर स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल और प्रोड्यूस नेक्टर। सो स्टार्ट करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो एक बार समझते हैं कि फिलीफॉर्म अपैरेटस है क्या, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ना, ये हमें पहली बार तो सिनर्जिड्स में देखने को मिलते हैं। एंड ये ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे कि ये एक एक कंडीशन, एक बी कंडीशन। ए कंडीशन में आपको यहां से यहां तक का एरिया दिख रहा है, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब सरफेस एरिया कहाँ बड़ा होगा? ऑब्वियसली बी में बड़ा होगा। और वो क्यों बड़ा हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसी वजह से इसमें हमें सरफेस एरिया ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स में। और अगर हम बात करें कि इनकी लोकेशन कहाँ है, लाइक लोकेशन, तो वो तो दे आर फाउंड एट दी माइक्रोपाइलर एंड ऑफ दी सिनर्जिड्स। सो ये है इनके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी हमें जाननी चाहिए। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन है। हमें देखना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो ऑप्शन ए ने बोला गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। सो क्या वो सिनर्जिट करता है या नहीं, क्या वो हमारा जो फिलीफॉर्म अपैरेटिस है वो करता है या नहीं, वो देखते हैं। तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटिस होते हैं, ये कहाँ लोकेटेड है? इन दी सिनर्जिट्स। अच्छा, सिनर्जिट्स में भी कहाँ? वो भी इन द सिनर्जिट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये है पूरी लोकेशन, पूरा एड्रेस इसका। अब क्या करते हैं, इनका जो क्रूशियल रोल होता है ना, इट हेल्प्स इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब बन रही है ना, उसको पॉलन ट्यूब इन टू दी ओव्यूल, ओव्यूल तक उसको गाइड करनी है। एक्चुअली होता क्या है कि ना, ये जो हमारे जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये क्या करते हैं, ये ना सिग्नल्स एमिट करते हैं। इट एमिट्स सिग्नल्स। अब सिग्नल एमिट करने से क्या होता है कि वो ना डायरेक्ट करता है द ग्रोथ ऑफ पोलन की, मतलब जो पोलन ट्यूब जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए, उसको वो सिग्नल्स डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, मतलब जो सिग्नल्स हो गए ना, वो टुवर्ड्स द एग जाने को बोलते हैं ऐसे, ताकि जो पोलन ट्यूब है वो पूरा कनेक्ट कर पाए और पोलन जो आएगा पोलन ग्रेन, वो एग तक ऐसे पहुंच पाए। और इसी वजह से क्या होती है, इसी वजह से हमें सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर शॉर्ट में बोलू, ये जो हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटिस है, वो एक सिग्नल रिलीज करने में हेल्प करते हैं, जो कि पोलन ट्यूब के ग्रोथ को डायरेक्ट करती है, ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं कि एक सूटेबल एक सही वाला लाइक एक सूटेबल पोलन, सूटेबल पोलन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारा जो स्टिग्मा है वो जिस फ्लावर को बिलोंग करता है, जिस स्पीसीज को बिलोंग करता है, उसी स्पीसीज का पोलन भी आना चाहिए। वो चेक करने के लिए, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, क्या हमारा ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो काम करता है? नहीं, इसके लिए वो काम नहीं करता। वो जो सिग्नल देता है ना, वो ग्रोथ के सिग्नल देता है, वो भी पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए। ये वाला आंसर तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है, स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। ये बोलना चाह रहा है कि जो डिवीजन होता है ना, कि भाई एक जनरेटिव सेल का जो डिवीजन होता है वो हमारा ये फिलीफॉर्म करवाता है। ये सेंटेंस गलत है, फिलीफॉर्म ये नहीं करवाता, फिलीफॉर्म का ये काम ही नहीं है। ऑप्शन डी, प्रोड्यूसेस नेक्टर। नेक्टर प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। देखो, नेक्टर प्रोड्यूस करना काम है एक स्पेशलाइज सेल का, एक स्पेशलाइज ग्लांस का, जिसे हम कहते हैं नेक्टरीज। इसमें भी आपको फिलीफॉर्म अपैरेटस का कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। I hope you have understood the question well, students. Best of luck.